सब अच्छे होंगे, हम दोनों भी मस्त हैं हमेशा की तरह। ये तो आज के ब्लॉग में आप जानेंगे कि हम कार ब्लॉगिंग करेंगे, ट्रैफिक कैसे, ट्रैफिक रूल का कैसे फॉलो करते हैं, गाड़ी कैसे चलाते हैं, क्या इंडियन लाइसेंस पे हम इंटरनेशनल में ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सब की को बताएगा, बिकॉज इसे ही ड्राइविंग आती है, मुझे नहीं आती। ओके तो, चलो चलते हैं। तो कंपलसरी है सीट बेल्ट लगाने का, अदरवाइज पुलिस पकड़ता है और तुमको चार्ज लेगा। और यहाँ चार्ज भी जैसे इंडिया में 1000 रुपीज या कुछ है ना, यहाँ पे आई थिंक 50 रिंगेट डिपेंड्स करता है उसमें। और मैं भी देखा ना, वो भी न्यू सेंट्रल है इधर, क्या मतलब लाइक न्यू सेंट्रल कोई भी आता है ना आदमी मलेशिया को, वो इधर यू नो जरूर आता है, बिकॉज ये भी मिडिल है, न्यू सेंट्रल सेंट्रल है और इधर कनेक्टिविटी बहुत है सेंट्रल को, फॉर एग्जाम्पल बस का और एल्स मेट्रो 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 में बहुत है, और तीन तरीफा है, तीन चार तरीफा है उसको बोलते हैं, MRT क्या ये बोलो बोलो है बात, तीन चार वेज मेट्रो में लाइक तीन चार वेज है इसको, फॉर एग्जांपल MRT है और LRT है, मोनोरेल है और KTM जैसे वो है, और उसको भी यू नो एक दिन लॉक करता हूँ हम। और इधर देख सकते हैं तुम लोग, यहाँ पे एक्चुअली लाइफ बहुत इजी हो जाती है क्योंकि ऐसे तो सबके पास कार है ही, मतलब मैंने यहाँ पे देखा है कि सबके पास कार है ही, बट स्टिल कार में भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है वो पीछे, इसीलिए लोगों के लिए LRT MRT है, और हर कोई कैन नॉट अफोर्ड कार क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स भी यहाँ आते हैं जॉब के लिए, तो हर किसी के पास कार, तो वो लोग आते साथ ही कार नहीं खरीद सकते राइट। लेकिन बसेस में भी क्या होगा कि आपको सेम ट्रैफिक मिलेगा, और LRT मेट्रो में ये फीचर होता है कि वो जल्दी हम लोग को पहुंचा देता है विदाउट एनी ट्रैफिक, बस ये कि आपको थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट ट्रैफिक से ज्यादा से अच्छा है कि हम LRT वगैरह से ही चल जाए। तो अभी आगे देखते हैं कि हम कैसे जा रहे हैं। कि मैं भी बोल रहा था लाइक सेंट्रल बारे में, KL मोनोरेल है ना, MRT LRT, उधर देख सकते हैं तुम लोग एक स्टेशन है, इसको मोनोरेल स्टेशन बोलते हैं। ओके और इसको इसका नाम है तुन संबंधन, ब्रिकफील्ड्स। ब्रिकफील्ड्स मतलब लिटिल इंडिया, वो बिसाइड भी है किधर, KL सेंट्रल का बाजू में है। और इधर लोग क्या करता है, गूगल मैप यूज करता है इंडिया में, इधर तुम देख सकते हैं इसको बोलते हैं वेज, कितना तुमको यू नो ट्रैफिक है, किधर पुलिस यू नो रहता है, और कितना टाइम में पहुंचता है, तुम लोग एवरी डिटेल लाइव में यू नो देता है, और बहुत लोग इधर यूज करता है, एंड इट्स यू नो अच्छा है यूज करने का, बिकॉज यू नो सम टाइम पुलिस रहता है किधर भी, तुम लोग को पता चलता हो इधर पुलिस है, चलो ये रोड को नहीं जाने का। और इधर मलेशिया का पहला यू नो रोड वाला मतलब बहुत अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, तो एक प्लेस को चलने का है ना मिनिमम 2-3 वेज रहता है एक प्लेस को जाने के लिए, और 3-4 वेज रहता है एक रोड में, ये बहुत अच्छा है ये इंफ्रास्ट्रक्चर इधर इंडिया में भी अच्छा है, अब यू नो हो रहा है इधर, बिकॉज यू नो अराउंड 3 करोर प्लस लोग है बस उतना ही, हम इंडिया में है 1 बिलियन प्लस, दैट्स अ डिफरेंस, इसलिए यू नो ये लोगों को बहुत क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए इजी होता है, लोग भी कम है ना इसलिए। और यहाँ पे रोड भी बहुत अच्छे होते हैं, जिससे कि अगर आप ट्रैफिक भी हो तो आप इजीली बहुत जल्दी पहुंच सकते हो, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत आपको टाइम लगेगा, हाँ थोड़ा वे लेट लगता है बट स्टिल आप एटलीस्ट टाइम पे पहुंच सकते हो, मूविंग ट्रैफिक होता है, इट्स नॉट लाइक स्टक हो जाए, देख सकते हैं तुम लोग इधर फ्रंट देख सकते हैं, अभी बोला ना इट्स लाइक मूविंग ट्रैफिक रहता है, अब देखो कितना फास्ट है इधर, ये लाइन है ना चार लाइन इसमें बोल रहा हूँ मैं, ये हम चल रहे हैं ना ये स्लो वाला चलने के लिए, वो बिसाइड है ना वो थोड़ा फास्ट चलने के लिए, और उधर दो लाइन है ना वो फास्ट चलने के लिए पूरा इधर राइट साइड पूरा यू नो फोर्थ वे, ये वे हम चल रहे हैं ना वो बहुत स्लो, कौन स्लो चलता है तो मीडियम चलता है स्लो का, अब मे बी ये KL सेंट्रल वे है ना इसलिए थोड़ा सा ट्रैफिक है, अब बज रहा है 12:20 इस टाइम को भी यू नो इतना ट्रैफिक है, ऊपर से आज वीकेंड है सब ऑफिस भी जा रहे हैं, बट स्टिल पता नहीं क्यों इतना ज्यादा ट्रैफिक है,
देखो जाके रुक गया। लेकिन हाँ इसमें ये है कि गाड़ी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि गाड़ी रुक के रहेगी, जैसे इंडिया में होता है ना कि पै पै करते रहो, तो यहाँ पे वैसा है कि यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाने का, लोग अपने ही चलते हैं, लोग नहीं बजाते हैं, लोग को नॉइज पोल्यूशन नहीं चाहिए इसी के वजह से। किको को देखो हंसी आ रहा है बहुत ज्यादा मेरी बातों पे। नहीं ऐसा नहीं, लोग देख सकते हैं तुम लोग। और हम बात कर रहा था लाइक क्या बोलते हैं उसको, ड्राइविंग लाइसेंस। यस, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, आई मीन इंडियन लाइसेंस वाला मलेशिया में चल सकता है क्या, और अदर इंडियन यू नो अदर इंटरनेशनल कंट्री में ड्राइव कर सकता है क्या? या इसका बहुत लोग पूछा, पहला बार भी हम मैं बोलता था लोगों को, बहुत लोग है मेरा फ्रेंड्स, बिकॉज हम मैं लिया इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए हम कार नो ड्राइव कर सकता है इधर, और पुलिस भी पकड़ते ना उसको, देखने इधर देखो मेरा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, वो कैसे लेने का, इधर बहुत नो वेज है लेने के लिए। पहला फॉर एग्जांपल लेने का है, इंडिया में भी तुम लोग इंडियन लाइसेंस है ना, इंडियन आरटीओ को चल के पहला उधर आरटीओ से तुम लोग इंटरनेशनल कन्वर्ट करके आ सकते हैं, ओके। और सेकेंड तरीका है इंटरनेशनल, आई मीन इंडियन लाइसेंस है ना तुम्हारा, वो इधर आके फॉर एग्जांपल मलेशिया लेकर आके इधर तुम लोग इधर बोलते हैं जेपीजे, जेपीजे चल के, जेपीजे इज लाइक आरटीओ इन इंडिया, उधर चल के क्या करने का, तुम लोग अटेस्टेड इंडिया से लेकर आने का, हम मेरा इंडियन लाइसेंस है और इंडिया से तुमको एक इंग्लिश में फॉर एग्जांपल यू आर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया, डिफरेंट लैंग्वेज रहता है ना, इसलिए तुम लोग क्या करने का, एक पेपर लेने का इन इंग्लिश में, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है वैलिड है इंडिया में इस तरफ, और लेकर आके इधर यू नो जेपीजे चल के उधर उसको थोड़ा पेमेंट रहता है, बहुत कम रहता है वो देने का, और जो है ना कन्वर्ट करने का। और एक तरीका है वो बोलता है डायरेक्ट इधर ही ले यू नो ड्राइविंग टेस्ट लेके ड्राइविंग लाइसेंस लेने का, वो बहुत थोड़ा महंगा पड़ता है, लाइक कॉस्टली होता है। आई थिंक इट्स अराउंड 2000 RM। या 2000 RM, बट और तो एक बार फेल होता है ना मत, और एक 500,000 ringgit देना पड़ेगा और टेस्ट लेना पड़ेगा। इट्स लाइक इंडिया में मे बी हम एक महीने या दो महीने में आता है, इधर बहुत लेट होता है। अब फॉरेनर है ना, फॉर एग्जांपल इफ यू नो चाय इंटरेस्ट, पहला इधर पी लाइसेंस देता है, पी लाइसेंस होने के बाद 6 महीने होने के बाद तुम लोगों को नॉर्मल लाइसेंस मिलता है, ये बहुत यू नो बहुत दिन होता है, बहुत महीने होता है। और एक तरीका है फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल एसोसिएशंस है, US और सम ऑफ द यू नो ड्राइवर एसोसिएशंस, उधर से भी तुम लोग यू नो बेस्ड ऑन इंडियन लाइसेंस उसको देने का, और वो देख के तुम लोगों को इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस देता है। इस तरीके का लाइक थ्री टू फोर वेज हम बोला। और बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल इंडियन लाइसेंस है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर है नियर बाय मलेशिया, सिंगापुर में तुम लोग बेस्ड ऑन इंडियन लाइसेंस भी ड्राइव कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी ड्राइव कर सकते हैं, ब्रिटेन लाइक जस्ट फॉर 3 months। नहीं नहीं, दिस इज इन सिंगापुर, एनी वेयर यू कैन ड्राइव ऑन, बट हियर फॉर एग्जाम्पल इंडियन लाइसेंस है तुम्हारे पास, तुमको ड्राइव करना चाहता था ना, एक मिनट। हाँ, इधर क्या करने का, टूरिस्ट आता है ना, टूरिस्ट लोग 3 महीने तक तुम लोग ड्राइव कर सकते हैं यू नो इंडियन लाइसेंस में, बट इधर काम करने को आता है और एक्सपैक्स रहता है, एनआरआई रहता है, वो लोग यू नो मैं बोला इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट लेने का, अदरवाइज तुम लोगों को पुलिस पकड़ता है ना, बाद में चार्जेस लेना पड़ेगा और सो मच प्रॉब्लम होता है। और वो भी मैं बोला ना 3 महीने का टूरिस्ट ड्राइव करना सकता है, वो भी लाइक डिपेंड्स ऑन पुलिस, हम पुलिस पकड़ता है वो पूछता है क्या है, उसको भी समटाइम यू नो नहीं पता इसलिए। और इट्स सेम लाइक इंडिया, तुम देख सकते हैं राइट साइड भी ड्राइव करने का, इट्स नॉट लाइक लेफ्ट साइड स्टीयरिंग गेट उधर से ड्राइव करने का नहीं है। आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट ड्राइविंग का। और कार लॉगिंग तुम लोगों को और कुछ भी चाहे ना, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और हम कोशिश करेंगे कि हम सारे क्वेश्चन का आंसर कर सके और सारे Q&A का एक साथ फिर से व्लॉग बनाए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग किकू पिकू व्लॉग।